पूर्णा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। बुलंदशहर में लंबे समय से चल रहे धरने को लेकर आज बुलंदशहर के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार के आदेशों पर रेलवे फ्लैट कॉरिडोर का कार्य शुरू किया गया। एडीएम प्रशासक रविंद्र कुमार का कहना है कि किसानों की आपसी सहमति के बाद रेलवे फ्लैट कॉरिडोर का कार्य शुरू कराया गया। एडीएम रविंद्र कुमार का कहना है कि किसानों की जो भी मांग है पूरा कराकर किसानों की समस्या का समाधान किया जाएगा। वही रेलवे के अधिकारियों ने मिठाई बांटकर काम को शुरू कर दिया। इस दौरान मौके पर सीओ खुर्जा गोपाल सिंह नायक, तहसीलदार विजय प्रकाश व इंस्पेक्टर सचिन मालिक व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वही किसानों का कहना है कि प्रशासन से हमने मांग रखी है, उसे प्रशासन एक माह में पूरा कर देगा। अगर एक माह में हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम धरने पर दोबारा बैठ जाएंगे। ऐसे बुलंदशहर से पंडित पंडित की एक खास रिपोर्ट। कौन आगे जाएगा, क्या नाम है? बब्बन चौधरी। बब्बन भाई, ये कह रहा हूँ कि जो इसका काम रुका हुआ था फ्रेट कॉरिडोर का, आज प्रशासन वहाँ उस पर काम चालू करवा दिया, तो किसानों की क्या सहमति है इसमें? किसानों की ये सहमति है, किसानों ने जो अपनी मांगे रखी थी वो एडीएम साहब ने, डीएम साहब ने सारी मांगे मान ली हैं और एक महीने का हमें समय दिया है, आने वाले 25 तारीख तक जितनी भी हमारी मांगे हैं उसको सारी की सारी सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। अगर उस डेट तक नहीं सॉर्ट आउट हो पाती है तो कहीं ना कहीं किसान फिर असंतोष व्यक्त करेंगे और अपने लिए कोई भी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे। फिलहाल जो प्रशासन की तरफ से किसानों को आश्वासन मिला है, किसान खुश हैं उससे? किसान एक सहमति बनी है, खुश तो तभी होंगे जब उनको मिल जाएगा कुछ, खुशी तो तभी होगी। एक सहमति बनी है, एक कदम इनका प्रशासन का कहना था, दो कदम आप चलिए, दो कदम हम चलेंगे। कितने किसान अभी वंचित हैं इसके मुआवजे से? लगभग 1500-1600 किसान हैं और जो पुराना मुआवजा है वो भी नहीं मिला है। नई रिमाइंड इन्होंने बात की है कि रिमाइंड हम कराएंगे, रिमाइंड कराने के बाद में कमिश्नर साहब से अधिक आदेश कराएंगे। चार गुने के तो नहीं देंगे लेकिन चार गुने के समथिंग ही आपको पहुंचा देंगे उसमें, ये इन्होंने हमसे आश्वासन दिया है, लिखित आश्वासन दिया। सर, फ्रेट कॉरिडोर को लेकर लगातार किसानों की तरफ से धरना रहा है, क्या कुछ इसमें अपडेट निकल गई? देखिए, कई जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में, जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वयं भी और सारे प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, DFCC के अधिकारियों द्वारा किसान प्रतिनिधियों और किसानों से वार्ता की गई, कई दौर की वार्ता चली। इसी क्रम में आज किसान प्रतिनिधियों और किसानों ने यह सहमति दी कि DFCC का रुका हुआ काम स्टार्ट कर दिया जाए। उन्होंने अपनी कुछ मांगें रखी हैं, उन मांगों का परीक्षण करके जो जायज़ मांगें हैं उनकी उसमें कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ आज काम स्टार्ट करा दिया गया है। हमें आशापूर्ण विश्वास है कि आगे काम चलता रहेगा, कोई गतिरोध नहीं आएगा, चूँकि वार्ता का जो दौर बीच में रुका हुआ था अब वो कंटिन्यू चल रहा है, तो कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं आने पाएगी।